मैं कहना चाहता हूं यहां पर मंच के माध्यम से मीडिया के साथियों को और तमाम प्रदेश के लोगों को कि अगर तोगड़िया का इलाज किया तो कांग्रेस की यहां पर राजस्थान की सरकार ने किया, अगर आसाराम का इलाज किया तो कांग्रेस की सरकार ने किया, अगर भ्रष्टाचारी निम्बाराम का इलाज करेंगे तो यह कांग्रेस पार्टी करेगी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने की आवश्यकता है। हमको रुकना नहीं है, संघर्ष करना है। गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे कि आज हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो एक 8 दिन का कैंपेन था, 10 दिन का, वो समाप्त हुआ है। हमारा संघर्ष महंगाई के खिलाफ समाप्त नहीं हुआ है, उसका तो अब आगाज हुआ है। गांव गांव में जाएंगे, ढाणी में जाएंगे, लोगों को जगाएंगे और इस मोदी सरकार का 2024 में सुपड़ा साफ करके बताएंगे। अभी मीडिया के भाई पूछ रहे थे कि ये कब तक संघर्ष चलेगा, या तो मैं मोदी झुक जा, मन की बात करने छोड़ दे, काम की बात कर, महंगाई को कम कर, बेरोजगारों को रोजगार दे, और जो लोग चाइना के लोग हमारी जमीन पे कब्जा करे बैठे हैं उनको वापस खदेड़ के बता, इन किसानों की आवाज को सुन के उनकी मांग को मान के बता, वरना तेरा अंत आ गया है मोदी सरकार। आने वाले 2024 में कांग्रेस का कार्यकर्ता देश का राजस्थान का राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तुम्हारा चीथड़ा चीथड़ा उधेड़ देगा, बचेगा नहीं, पता नहीं चलेगा। झोला उठा के तैयारी कर ले, तुमने कहा था मैं झोला उठा के चला जाऊंगा, फकीर हूं। अरे तुमको तो वो हिमालय भी नहीं झेलेगा जहां पर जाकर के, क्योंकि आपके मन को शांति वहां भी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी कि आपने इतने पाप किए हैं, इतना जनता के ऊपर जुल्म किया है, इतने गलत निर्णय किए हैं, इतने निर्देश लोगों को कोरोना के मिसमैनेजमेंट के आधार पे आपने मारा है कि अब आपका समय समाप्त हो चुका है। इसलिए उठ जाइए, खड़े होइए, सरकार अच्छा काम कर रही है उसको बताने की चेष्टा है राजस्थान में। केंद्र की मोदी सरकार जो निकम्मी है, जो गलत नीतियां, उसको बताने की आवश्यकता है। आज बताइए, आज मुख्यमंत्री जी एक लॉन्चिंग कर रहे हैं, 1,000 रुपए प्रति किसान को जो कृषि कनेक्शन है उसके खाते में डालने की बात कर रहे हैं, उससे बिल कम करने की बात कर रहे हैं, और एक तरफ किसानों के साथ में ये मोदी सरकार जुल्म कर रही है, उनको गुंडे बता रही है, देशद्रोही बता रही है, खालिस्तानी बता रही है। ये सोचने का वक्त है, इस सोच के साथ में आगे बढ़ेंगे। 29 तारीख को जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था उसी दिन पीसी करके आगे का रोड मैप देंगे, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाएंगे और इस मोदी सरकार को हटाएंगे। महंगाई कम करे वरना 2024 में सत्ता से दूर होने की तैयारी कर ले। एक बड़ी बात आपने बोली है कि आसाराम का इलाज किया, दूसरों का इलाज, किस किस का इलाज किया जाएगा, क्योंकि एसीबी वाले मामले का। अब आप देखिए, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो तोगड़िया यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता था, आरएसएस के जरिए हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाना चाहता था, अपनी राजनीतिक रोटियां आरएसएस के माध्यम से सेकना चाहते थे, उनका इलाज किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने? आप देखिए कि आसाराम जी का जो किस प्रकार के दुष्चरित्र के आरोप थे, उनका इलाज किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने? तो लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि जो FIR लॉज हुई है उसमें आरएसएस के भ्रष्ट नेताओं का भी इलाज निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। ये सतत प्रक्रिया है, 29 तारीख को हम इसका पूरा रोड मैप देंगे और गांव गांव ढाणी ढाणी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के इस मोदी सरकार की नाकामियां, इस मोदी सरकार की महंगाई बढ़ाने की नीतियां, इस मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियां, इस मोदी सरकार की जो विदेश नीति फैल हुई है उसकी सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। जो झूठे जुमले वादे उन्होंने किए थे वो अब जनता के सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान की, राजस्थान की जनता मोदी को टेलीविजन के ऊपर देखना पसंद नहीं करती, देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो हमेशा अपने मन की बात करते हैं, बेईमानी की बात करते हैं, कभी भी काम की बात नहीं करते हैं। राम मंदिर में जिस प्रकार से घोटाला हुआ, ट्रस्ट के माध्यम से 2-2.5 करोड़ की जमीन 1 घंटे में 18 करोड़ की हो गई, धर्म के नाम पर भी ये लोग धंधा करते हैं, धर्म में भी ये बेईमानी करते हैं, तो इनकी हकीकत सामने आ चुकी है। आने वाला समय है जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से सुपड़ा साफ होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की UPA सरकार बनी। छोटा सा साहब, एक चीज और, धर्मांतरण को लेकर बीजेपी नेता बोल रहे हैं, कल प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोले कि विवाद में बड़ी संख्या में धर्मांतरण हो रहे हैं, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, इस तरीके की बात। ये पूनिया जी का और उनकी पार्टी का एजेंडा है, उनके पास में कहने को कुछ नहीं है। 25 में से 25 सांसद असफल हो गए, 25 में से 25 सांसद मोदी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमारी सरकार की नीतियों में कोई कमी निकाल नहीं सकते हैं, जनता के मुद्दों के ऊपर वो आवाज़ उठा नहीं सकते हैं, केवल मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने दे रहे हैं 8-10 लोग, और ये एक प्रायोजित रूप से लोगों को बांटने के लिए, यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए
केवल ये बयानबाजी देते हैं। अगर कोई भी बात है तो वो तथ्य सहित सामने लेकर के आए, उनके पास कुछ नहीं है, वो अपने आप को वसुंधरा जी से बचा ले तो ही बहुत बड़ी बात है। हमारी सरकार कांग्रेस की यहाँ राजस्थान में होते हुए भी हमको प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, इस बात का जनता जवाब पूछ रही थी कि सब हम क्यों कर रहे हैं संघर्ष। मैंने कहा 7 साल पहले ऐसे लोग सत्ता में आ गए से निकम्मी कोई पार्टी नहीं देखी, और इनके पर्दे के पीछे जो आरएसएस काम करती है उससे ज्यादा भ्रष्टाचारी लोग नहीं देखे। ये लोग बात करते हैं, जब लोग बात करते हैं तो जुबा पे आता है। आज मैं समझता हूं एक शब्द मोदी जी ने कभी मन की बात में महंगाई कम करने के लिए नहीं बोला, एक शब्द बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा किया था उसके लिए नहीं बोला, एक शब्द किसानों के जो आंदोलन 8 महीने से चल रहा है 3 काले कानून लेकर के आए उसके ऊपर नहीं बोला, एक शब्द चाइना ने हमारी जमीन के ऊपर जो कब्जा कर लिया उसके ऊपर नहीं बोला। और आज मोहन भागवत से कहला रहे हैं कि मॉब लिंचिंग करेगा वो हिंदू नहीं हो सकता, और जो कोई भी देश में हमारे हिंदुस्तान में जो व्यक्ति रह रहा है वो किसी भी जाति मजहब धर्म का हो चाहे मुस्लिम हो वो हिंदू है। मैं समझता हूं ये जो बदली हुई जुमा उनकी है वो खिसकती हुई उनकी सत्ता की चादर को बचाने का एक असफल प्रयास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये वो ही मोदी जी और मोहन भागवत हैं जो कहते थे एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म करेंगे, 2 अप्रैल की घटना सबको याद है, हमारे एससी एसटी के भाइयों के साथ में कितना बड़ा अत्याचार करने की चेष्टा की थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं एससी एसटी के हमारे युवाओं को, हमारे बुजुर्गों को, नेताओं को, आम कार्यकर्ता और आम जनता को कि उन्होंने उस वक्त अगर बिगुल नहीं बजाया होता तो ये मोदी सरकार और आरएसएस आपका जो आरक्षण है वो अब तक खत्म कर दिए होती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जब किसान का आंदोलन चरम पे पहुंचा तो किस प्रकार का षड्यंत्र किया गया, अपने ही लोगों को वहां पर लाल किले के ऊपर भेजा गया, और किस प्रकार से उस मुद्दे से ध्यान भटका करके उन किसानों को जो वहां पर 8 महीने से रात को मच्छर खा रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा, समय पर रोटी नहीं मिल रही, उन लोगों को खालिस्तानी और गुंडे और मवाली कह करके वो संबोधित करते हैं, उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे पास में हमारा नेता राहुल गांधी है जो हमेशा ये कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है, निडर बन करके आगे बढ़ो, इन चोरों के खिलाफ संघर्ष करो, अपनी आवाज को बुलंद करो, और जो आवाज बुलंद नहीं कर सकता वो सही मायने में कांग्रेसी भी नहीं हो सकता, देश का हितेशी भी नहीं हो सकता, देश का प्रेमी भी नहीं हो सकता, राष्ट्रवादी भी नहीं हो सकता। इनकी परिभाषा वो प्रज्ञा साध्वी जो है वो MP है वो ये कहती है कि हम नाथूराम गोडसे की पूजा करते हैं उसको आदर्श मानते हैं, ये नाथूराम गोडसे को आदर्श मानने वाले लोग हैं, हम हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आदर्श मानने वाले लोग हैं। हमारी कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी में बेसिक फर्क यही है कि ये वो लोग हैं जो जब अंग्रेजों से हम गुलामी की संघर्ष कर रहे थे तब ये मुखबरी का काम कर रहे थे अंग्रेजों की, और हम लोग हमारे लोग कांग्रेस के लोग शहीद हो रहे थे। अभी कह रहे हैं कि साहब क्या करेंगे भ्रष्टाचार को जो मामला उजागर हुआ उसमें क्या गहलोत सरकार काम करेगी कि नहीं करेगी, उसके ऊपर ऐसे लोगों को बाकी लोगों को गिरफ्तार आरएसएस के लोगों को करेगी कि नहीं करेगी।